वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं। ये यूनिट 1 का है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा सिलेबस को देखेंगे कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। डिटेल में देखेंगे कि हर यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ इस लेक्चर में यूनिट 1 स्टार्ट भी कर देंगे, यानी PWD क्या होता है ये पढ़ेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंट है क्या, और इस सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ये अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, आप एक सिविल इंजीनियर हैं या आप एक कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, तो कुछ नियम या कानून है। नियम कानून क्या, गवर्नमेंट और कोर्ट से रिलेटेड। जब दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोर्ट में जाया जाता है। ठीक है, तो कुछ बातें जो है वो बोलकर होती है, और कुछ बातें जो है वो रिटेन होता है। जो बोलकर होता है उसको प्रॉमिस बोलते हैं। ठीक है, प्रॉमिस कहने का मतलब है हम किसी को कुछ बोले, ठीक है, और वो उस चीज से एग्री कर गया, तो वो ये एक प्रॉमिस कहलाता है। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहे हैं, हम किसी को कोई बात बोले और वो सुनकर उस चीज़ के लिए एग्री कर जाएगा तो वो प्रॉमिस कहलाएगा। मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको मम्मी बोलती है कि 80% मार्क्स आ जाएगा तो आपको एक सेल फोन देंगे। ठीक है, ये मुंह से बोला गया और इस चीज़ के लिए आप एग्री कर लिए, ये क्या कहलाएगा, प्रॉमिस कहलाएगा। इट मे पॉसिबल कि मम्मी मुकर जाए, फोन देने से मना कर दे, वो बोलेगी कि अगले बर्थडे में आपको फोन दिया जाएगा, तो प्रॉमिस क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए देखना, ध्यान से समझना, होता क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और दूसरा ऑनर होता है। ऑनर अपना घर को बनवाता है किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कुछ ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्या होता है, ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ऑनर पैसा पे करता है। ध्यान से समझना, कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ऑनर जो है वो पैसा पे करता है। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉमिस करते हैं कि आप समय पे घर बना देना। किसको, ऑनर कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा आप समय पे घर बना देना, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉमिस करेगा कि हाँ हम समय पे घर बना देंगे, लेकिन इट मे पॉसिबल कि वो अपना प्रॉमिस तोड़ दे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेज पे जो भी दोनों का शर्त होगा, जो भी दोनों का प्रॉमिस होगा, उसको लिख लिया जाएगा पॉइंट वाइज, कॉन्ट्रैक्टर का भी बात और ऑनर का भी बात, जिसमें दोनों म्यूचुअली एग्री करेंगे, वो सब बातें एक पेपर पे लिख लिया जाएगा, और लिखने के बाद दोनों साइन कर देता है, और इस पे भारत सरकार या बिहार सरकार का मुहर लग जाता है। यानी ये जो बातें हैं अब कानून से बंध गया है। अब जो लोग दोनों में से कोई जब एक मुकरेगा, दूसरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में पेनल्टी भरा जाता है, जो भी जिसको नुकसान होगा। मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर को अगर नुकसान हो रहा है तो ऑनर पेनल्टी देगा, अगर ऑनर को नुकसान हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर पेनल्टी देगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है। रिटेन मतलब पेज पे लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है जो कानून से बंधा होता है। प्रॉमिस तो कोई भी तोड़ देता है, लेकिन जब रिटेन एग्रीमेंट है, रिटेन एग्रीमेंट जिसपे कानून का मुहर लग जाए, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी बातें लिखी होनी चाहिए ये पढ़ेंगे, एक टेंडर क्या होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज पढ़ेंगे, वैल्यूएशन स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से पैसा पे किया जाता है ये पढ़ेंगे, किस तरह से मस्टर रोल होता है, बिल क्या होता है, वाउचर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्टर अगर बनना चाहते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ से बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल जाएगा। छोटा सा सब्जेक्ट है बट काफी इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको ये सब्जेक्ट का ओवरव्यू समझ में आया होगा। अब हम लोग सिलेबस देखते हैं, और सिलेबस में यूनिट वाइज देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद यूनिट 1 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करके सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, अभी कुछ नोट डाउन नहीं कीजिएगा आप। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। यूनिट 1 में प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय PWD, यानी PWD काम कैसे करता है। PWD क्या होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो अभी बताए थे कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो कहलाता है PWD। ये PWD काम कैसे करता है, यानी कैसे टेंडर बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, किसी काम को कॉन्ट्रैक्टर को कैसे दिया जाता है। ठीक है, और ये जो PWD में कुछ इंजीनियर्स होते हैं, जैसे सबसे ऊपर होता है चीफ इंजीनियर, उसके बाद सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद जूनियर इंजीनियर, उसके बाद सुपरवाइजर्स होते हैं।
तो ये सब के रोल्स रोल के बारे में पढ़ेंगे, उनका काम क्या है, ठीक है, और किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है, हर किसी का फंक्शन क्या है, चीफ इंजीनियर का रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। जूनियर इंजीनियर का फंक्शन क्या है, रोल क्या है, ये सब पढ़ेंगे यूनिट वन में, ठीक है। यूनिट टू में है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जो लीगली बाइंडिंग होता है। जैसे मान लो कि हम आपको कुछ काम करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, तो प्रॉमिस होता है वो क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे प्रॉमिस दूसरे पर्सन को बोलता है कुछ, ठीक है, वो प्रॉमिस है वो टूट भी जाता है, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगर कोई प्रॉमिस तोड़ देता है तो उसको कोई सजा नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे हम किसी को किसी से उधार लेते हैं, मान लो कि 1 लाख रुपया उधार लिए और उसको हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको दे देंगे 1 महीने बाद, अगर उसको 1 महीने बाद नहीं लौटाते हैं तो वो हमको बोलेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे 2 महीने बाद लौटा देंगे, तो वो मान जाएगा, ठीक है, प्रॉमिसेज है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लीगली बाइंडिंग होता है, यानी एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कानून संलिप्त होता है, ठीक है, अटैच हो जाता है। अगर उसको 1 लाख रुपया हम 1 महीने बाद नहीं दे तो हमको पेनल्टी देना पड़ेगा, कुछ उसको हर्जाना भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एक कॉन्ट्रैक्टर एक ऑनर होता है, देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर जो घर बनाएगा, एक ऑनर जो घर बनवा रहा है, ठीक है, मान लो कि हम ऑनर हैं और तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तो हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। कैसा एग्रीमेंट होगा, कि आप समय पे घर बनाओगे और हम आपको समय पे पैसे दे देंगे, ठीक है, और ये दोनों बात जो है वो एक पेपर पे लिखा होता है, उस पे कानून का मुहर लगा होता है। मान लो कि हम एक शॉपिंग मॉल बनवाना चाह रहे हैं, ध्यान से समझना, मान लो कि हम एक शॉपिंग मॉल बनवाना चाह रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर बोला कि हम 1 साल में आपका शॉपिंग मॉल बना देंगे। कितने साल में शॉपिंग मॉल बना देंगे, 1 साल में शॉपिंग मॉल को बना देंगे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, काम को डिले कर देता है और शॉपिंग मॉल को 2 साल में बनाकर तैयार करता है, ठीक है, शॉपिंग मॉल को 2 साल में तैयार करता है। वो बोला था 1 साल, तैयार कर रहा है 2 साल, तो इससे नुकसान किसका है, मेरा नुकसान है, क्योंकि अगर 1 साल में शॉपिंग मॉल बन गया होता तो 1 साल में उस पर रेंट लग गया होता, दुकान वाले आकर रेंट ले लिए होते, 1 साल का रेंट मेरे पास कलेक्ट हो गया होता। कॉन्ट्रैक्टर को तो कोई नुकसान है नहीं, वो उसको पैसा मिला, काम किया। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक रिटेन डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स से, कि अगर 1 साल में आप काम कंप्लीट करके नहीं दोगे, जितना भी समय आप लेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी हर्जाना भरना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक लीगली लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। अगर वो काम करने मतलब वो बात को मानने से मना कर दे, वो तो पेपर को ले जाके हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और वो कानून के द्वारा क्या होता है, अटैच होता है, वो बैक किए हुए रहता है और उसको मतलब क्या बोले, मजबूरन पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देखना थर्ड यूनिट में पढ़ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कौन कौन सी बातें लिखी होनी चाहिए, ये हम लोग यूनिट टू में पढ़ेंगे, ठीक है। और यूनिट थ्री में हम लोग पढ़ेंगे टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट। अच्छा, टेंडर को समझने से पहले आप ये समझिए कि आप कभी शादी में गए हैं किसी के, ठीक है, तो शादी में जाने के लिए जिस आदमी का शादी हो रहा होता है, जिस फैमिली में शादी हो रहा होता है, वो एक शादी का कार्ड भेजता है। वो कार्ड क्या होता है, एक इन्विटेशन होता है जिसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है कि किस किस पर्सन का शादी हो रहा है, किस दिन शादी होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी होती है। तो शादी का जो कार्ड होता है वो इन्विटेशन होता है, इन्वाइट किया जाता है। उसी तरह से टेंडर जो है एक इनविटेशन है, इनवाइट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को कि आप आइए और काम कीजिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्यूमेंट होता है, मतलब सॉरी, टेंडर और टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर इनविटेशन होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, इनवेलप में वो रखा हुआ रहता है, उसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन रहता है जो आपको भर के सबमिट करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो कि हम एक स्कूल बनाने जा रहे हैं, भारत सरकार या बिहार सरकार का एक आया कि यहाँ पे कोई पटना के किसी जगह पे एक स्कूल बनने वाला है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट करेगा गवर्नमेंट पेपर पे या नोटिस बोर्ड में, ये छाप देगा कि हम स्कूल बनाना चाहते हैं। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, जो भी इंटरेस्टेड कंपनी है, वो इसके लिए आइए और बताइए कि आपको कितना पैसा में वो घर बनाइएगा, आपके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम टेंडर डॉक्यूमेंट में भर देते हैं कि वो स्कूल हम 5 लाख रुपया में बनाएंगे, 2 साल का समय लगेगा, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, ये सब हम लोग किस में भरते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट में। और टेंडर के द्वारा गवर्नमेंट अनाउंस करती है, इनवाइट करती है कंपनीज को कि आइए, ठीक है।
तो मान लो कि 10 गो कंपनी है, 10ों के पास खबर पहुंचा, वो क्या किया, टेंडर डॉक्यूमेंट में सब कुछ भरा कि कितना पैसा में हम घर स्कूल बनाएंगे, कितना समय लगेगा, मेरे पास किस तरह का टीम है, मेरे पास किस तरह का टेक्नोलॉजी है, ये सब देखकर, ये टेंडर डॉक्यूमेंट को देखकर फिर उसको काम करने के लिए दे दिया जाता है, और काम करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। तो टेंडर के द्वारा क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, बोलते हैं ना टेंडर निकला है, यानी आपको किसी काम करने के लिए मतलब बुलाया जा रहा है, आप वहां पे उस टेंडर का नोटिस पढ़िए, नोटिस पढ़ के चले जाइए, डिटेल में बताएंगे टेंडर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखना अकाउंट इन PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में अकाउंट कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंट कहने का क्या मतलब हो गया, अकाउंट कहने का मतलब है कि आप लोग पढ़े होंगे मेजरमेंट बुक, बिल, वाउचर, ये सब। मेजरमेंट बुक याद है आपको, ठीक है, मेजरमेंट फॉर्म तो याद होगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट में पढ़े होंगे, जिसमें वर्क लिखाते थे, एक्सकवेशन, लेंथ, विड्थ, ये सब जो काम होता था, तो वही अकाउंट में आता है, बिल, वाउचर, ठीक है, जैसे कोई सामान निकलवाना है तो बिल और वाउचर ये सब तैयार करना होगा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग ये अकाउंट इन PWD में, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आएगा पढ़कर, ठीक है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो काम कर रहा है, ठेकेदार है, उसको पैसा किस रूप में दिया जाएगा, 10% पहले देंगे कि पूरा पैसा पहले देंगे कि पूरा पैसा काम होने के बाद देंगे, किस तरह से पेमेंट किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई एक्सकवेशन कर रहे हैं तो एक्सकवेशन करने में क्या क्या चीज़ें की जरूरत होगा, अगर हम लोग एक PCC का निर्माण कर रहे हैं, RCC का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना इसमें एग्रीगेट लगेगा, ठीक है, हर चीज़ को डिटेल में कैलकुलेट करेंगे। दो तरह से स्पेसिफिकेशन होता है, एक ब्रीफ और दूसरा डिटेल, एक मोटा मोटी और एक डिटेल में स्पेसिफिकेशन करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़ेंगे देखेंगे। लास्ट वैल्यूएशन, ठीक है, वैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे मोटा मोटी मान कर चलो कि 20 मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है, जितना भी मार्क्स रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वैल्यूएशन से पूछा जाता है। वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्य मार्केट में कितना होगा, उसका वैल्यू कितना लगेगा, वैल्यूएशन कहने का मतलब है कि मार्केट में उसका मूल्य क्या है, समय के साथ किसी चीज़ का वैल्यू मार्केट में जो मूल्य है वो घटता है, ठीक है, और किसी का बढ़ता है। जैसे मान लो कि एक सेल फोन खरीदे, आप मोबाइल खरीदे, तो साल दर साल उसका वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, जबकि जमीन हम लोग एक खरीदेंगे तो साल दर साल उसका वैल्यू बढ़ेगा, गोल्ड खरीदेंगे तो साल दर साल उसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन, ये सब पढ़ेंगे वैल्यूएशन में, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे लैंड या बिल्डिंग के बारे में कैसे वैल्यू बढ़ता है, जब शहर के बीचों बीच में होगा तो वैल्यू ज्यादा होगा, जो शहर से दूर होगा तो वैल्यू क्या होगा, कम होगा, जब हाईवे के साइड में होगा तो वैल्यू ज्यादा होगा, जब हाईवे से काफी दूर होगा तो वैल्यू कम होगा, एक परफेक्ट शेप में जब लैंड होगा तो वैल्यू ज्यादा होगा, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सिंकिंग फंड के बारे में देखेंगे, मतलब आप जब एक घर बनाते हो तो घर का एक लाइफ होता है, ठीक है, और 30 साल या 50 साल, उतने साल में वो घर खराब हो जाएगा, तो आपको कुछ पैसा सेव करके रखना है कि आप दूसरा घर बना सके, ठीक है, तो इसके लिए सिंकिंग फंड यूज होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे वैल्यूएशन को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस में क्या क्या है। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, मतलब पहले ये समझ लेते हैं कि PWD होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से इंजीनियर्स का पैटर्न है। तो पॉज करके अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और इसके लिए आप 200 पेज का कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है, 200 पेजेस का एक कॉपी ले लीजिएगा, छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंट पढ़े थे ना, सॉरी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़े थे, उसी का ये एडिशनल टॉपिक है, ठीक है। जब BN दत्ता का जो बुक था या रंगावाला का बुक था, जो भी आपके पास बुक है उसमें ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का ये 25% है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जितना मुश्किल और टफ सब्जेक्ट था उसका मात्र ये 25% है, काफ़ी इजी पेपर है। जो न्यूमेरिकल कुछ आएगा वो वैल्यूएशन में न्यूमेरिकल आएगा, इसके अलावा किसी भी यूनिट में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा का पूरा पेपर थ्योरेटिकल है। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, फ्यूचर में किसी को कॉन्ट्रैक्टर बनने का हार्दिक इच्छा है, वो चाहता है कि एक ठेकेदार बने, तो उसको बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये पाथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक ठेकेदार का काम क्या होता है, ठीक है, और वो कैसे बन सकता है, ये सब बातें हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है, और ये भी सीखेंगे
देखेंगे कि पैसा कैसे, सिविल इंजीनियर पैसा कैसे बनाता है, लूप होल्स सिस्टम में जो है यहीं से आपको सीखने को मिल जाएगा। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि PWD क्या है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक्चुअली में है क्या। ये यूनिट वन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि PWD या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट एक्चुअली है क्या। ध्यान से समझना, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। बिहार सरकार या भारत सरकार के बहुत सारे विंग्स होते हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, और इसी तरह से बहुत सारे वेलफेयर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्या काम है, खेती से रिलेटेड चीज़ों को देखना। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या काम है, तो ये हम लोग के जो भारत का बॉर्डर होता है उसको सुरक्षित रहता है, दुश्मनों से देश को बचाता है। फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम है कि जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है टैक्सेस के रूप में उसको डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना, एजुकेशन में कितना जाएगा, वेलफेयर में कितना जाएगा। वेलफेयर का मतलब होता है लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए जो काम किया जाता है उसको वेलफेयर कहते हैं। जैसे कोई आया और बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा देकर चला गया तो उस परिवार का क्या हो गया, आर्थिक स्थिति सुधरना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वेलफेयर के अंडर में आ जाएगा। तो भारत सरकार क्या करता है कि बहुत सारे इसके ब्रांचेज होते हैं, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे विंग्स होते हैं जो काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, रेलवे, इसी तरह का बहुत सारा टेक्सटाइल होता है। ठीक है, देखो भारत में कितने मिनिस्ट्रीज हैं, सबका अलग अलग अपना काम है, समझ में आया। जैसे एक होता है फॉरेन मिनिस्टर जो डिप्लोमेटिक बातों को क्या करता है, सॉल्व करता है, दूसरे फॉरेन कंट्री से रिलेशन को मेंटेन रखता है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है बिहार सरकार या भारत सरकार के अंदर या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसमें से भारत सरकार या बिहार सरकार का वैसा एक ब्रांच, वैसा एक विंग, वैसा एक डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग वर्क को संभालता है, जो इंजीनियरिंग काम को देखता है, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम, भवन का कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन के काम को देखता है, वो ब्रांच क्या कहलाता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहलाता है। ध्यान से समझना इस बात को। जैसे भारत सरकार के अंडर में कुछ कॉलेजेस होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज होगा बिहार सरकार के अंडर में, भारत सरकार के अंडर में, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कुछ कॉलेजेस होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कुछ हॉस्पिटल बनेगा, तो वो कौन बनवाता है, भारत सरकार बनवाता है। वो किसके द्वारा बनवाएगा, एक ब्रांच होता है, कैसा ब्रांच होता है, इंजीनियरिंग ब्रांच होता है, और वो कहलाता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ध्यान से देखना, ठीक है, PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्या है, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द PWD तो बोलोगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। डिफेंस क्या करता है, तो बॉर्डर को सुरक्षित रखता है, दुश्मनों से बचाता है। रेलवे मिनिस्ट्री का क्या काम है, तो रेलवे सुचारू रूप से चले ये काम है। तो बताओ PWD का क्या काम है, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। किसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, विच डील विथ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क सच एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, कलवर्ट कंस्ट्रक्शन। कलवर्ट छोटा सा ब्रिज होता है जो पानी को पास होने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, कलवर्ट है उसको बता देंगे, कभी आएगा तो ये एक बार फिर से आएगा कहीं पे तो इसको बता देंगे। वैसे रोड के बीच में जो एक छोटा सा पानी जाने के लिए रास्ता, छोटा सा ब्रिज होता है, उसी को कलवर्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पे कलवर्ट का एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कलवर्ट है, ये सबका कंस्ट्रक्शन का काम है। वो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है, वो क्या कहलाता है, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अगर PWD सेंटर का होगा तो वो कहलाएगा CPWD। ठीक है, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और जो स्टेट का होगा वो लिखाएगा बिहार पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, या महाराष्ट्र का होगा तो महाराष्ट्र पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। स्टेट अपने अकॉर्डिंग उसको बोलता है, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो काम क्या है बाबू, ध्यान से समझना, फिर से समझना कि एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। जो बिहार सरकार एक हॉस्पिटल बनवाना चाहता है या भारत सरकार एक हॉस्पिटल बनवाना चाहता है, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है, ये सब कौन देखेगा, ये सब देखेगा
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी पूरा माथा का जो बोझ है वो कंस्ट्रक्शन वाला, वो किसको दे दिया जाता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं है डिफेंस में, ये कुछ करेगा क्या? नहीं, डिफेंस में इसका कोई रोल नहीं है। क्या फाइनेंस में ये इन्वॉल्व होगा? नहीं, फाइनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसी को बोला जाता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। एसएससी जेई जब दोगे आप एग्जाम, एसएससी जेई तो अच्छा खासा पोस्ट रहता है एसएससी जेई में, सीट पीडब्ल्यूडी में, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसी तरह से आप बिहार सरकार के अंतर्गत में आता है पीएचईडी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये पीएचईडी पीडब्ल्यूडी के अंदर में नहीं आएगा। पीडब्ल्यूडी किसका क्या काम करता है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का काम करता है। किसका कंस्ट्रक्शन? तो बिल्डिंग का। बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, पब्लिक बिल्डिंग होगा, ठीक है, जैसे कोई एक मान लो बैंक बनाना है, ठीक है, एक ब्लड बैंक बनाना है जो सरकार के अंडर में है, तो वो सब बिल्डिंग कौन बनाएगा? पीडब्ल्यूडी बनाएगा, ठीक है। उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? पीडब्ल्यूडी करेगा। रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, कलवर्ट बनाना है, ये सब काम कौन करेगा? पीडब्ल्यूडी। पीएचईडी पीडब्ल्यूडी के अंदर में नहीं आता, ये अलग डिपार्टमेंट है। इसका काम क्या है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वाटर सप्लाई को प्रॉपरली मेंटेन करना। देखो नल जल योजना जो बिहार सरकार चला रहा था, घर घर नल पहुंचाने का काम था, वो कौन देख रहा था? पीडब्ल्यूडी देख रहा था क्या? नहीं, पीएचईडी के अंदर में था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हर घर तक शुद्ध पानी नल के द्वारा पहुंचाने का काम पीएचईडी के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है जो इलेक्ट्रिफिकेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर लाइन, कनेक्शन वर्क, ये सब के बारे में देखा जाता है। ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में नहीं है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। पीएचईडी अलग है। पीडब्ल्यूडी किसका काम करता है? तो भवन निर्माण, रोड निर्माण, ये सब जो है ब्रिजेस, कलवर्ट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस आएगा पीडब्ल्यूडी के अंदर में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, इसके बाद कुछ और है वो बता देते हैं। तो अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी जो होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेटअप कैसा है? देखो जो भी पैसा देगा वो तो गवर्नमेंट ही देगा ना, इंजीनियर तो काम करेगा, ध्यान से समझना, जो भी पैसा देगा वो गवर्नमेंट देगा। मान लो कि स्कूल बनवाना है तो एजुकेशनल मिनिस्टर के पास जाना होगा, वही पैसा देगा, एजुकेशन मिनिस्टर जो भी है वही ना पैसा देगा। तो डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, एक सेक्रेटरी होता है जो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ रहता है, वही हम बात करवाता है, चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी में बात होते रहता है, और सेक्रेटरी गवर्नमेंट के जो भी वहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं वहाँ तक बात पहुँचा देता है, ठीक है। तो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो भी मिनिस्टर है उसी के साथ ये रहता है। चीफ इंजीनियर सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, ठीक है, किसी भी स्टेट में एक या मैक्सिमम दो चीफ इंजीनियर होता है, ठीक है। चीफ इंजीनियर का एक ही पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है चीफ इंजीनियर का, ठीक है। इंजीनियरिंग जैसे आप जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हो पीडब्ल्यूडी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो चीफ इंजीनियर बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है, जैसे ये ध्यान से समझना, ये मान लो ये कोई एक स्टेट है, बिहार ही समझ लो, ये एक बिहार स्टेट का हम गंदा सा नक्शा बनाए हैं, ठीक है, बिहार स्टेट का, ठीक है। इस बिहार स्टेट में एक चीफ इंजीनियर होगा, एक चीफ इंजीनियर होगा, या इसको सहायता करने के लिए एक असिस्टेंट चीफ इंजीनियर हो सकता है जो इसकी मदद करेगा, ठीक है, एक चीफ इंजीनियर होता है या दो चीफ इंजीनियर होता है, चीफ इंजीनियर का संख्या ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब ये बिहार को बहुत सारे सर्कल में डिवाइड कर दिया जाता है। हम कोशिश किए थे गूगल पे सर्च करने का कि एक्चुअली पीडब्ल्यूडी में बिहार को कितने सर्कल में बांटा गया है, मिला नहीं है। अगर आपको पता चलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। तो मान लो कि बिहार को चार सर्कल में बांटा गया है पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग, तो हर सर्कल में एक एसी होगा, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होगा हर एक सर्कल में। सर्कल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब यही सर्कल में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को हम चार भाग में बांट दिए तो एक दो तीन और चार, चार डिवीजन हो गया। हर डिवीजन में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा या डिवीजनल इंजीनियर होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो डिवीजन हुआ है, पहले क्या बोले थे? पहले बोले थे सर्कल होता है, सर्कल को छोटा छोटा पार्ट में बांट देते हैं तो ये कहलाता है डिवीजन। डिवीजन का भी छोटा छोटा पार्ट होता है वो कहलाता है सब डिवीजन, ठीक है, सब डिवीजन, ठीक है, DIVISION, सब डिवीजन। तो सर्कल का जो काम देखता है, एक सर्कल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी पे जो नजर रखता है वो होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। किस कहाँ पे इसका एक्टिविटी रहता है? ये पूरे सर्कल पे इसकी एक्टिविटी होती है। स्टेट में चार पांच या दस सर्कल होते हैं, सर्कल होता है वो बड़ा बड़ा होता है, तो चार सर्कल है,
ठीक है, यहाँ पे चार सर्कल हैं, हर सर्कल में कुछ डिवीजन्स होते हैं, 8 डिवीजन, 10 डिवीजन, ठीक है, 12 डिवीजन, 15 डिवीजन, इस तरह से हो सकते हैं। सर्कल बड़ा है तो और छोटे छोटे डिवीजन होगा। डिवीजन का काम कौन देखता है? डिवीजनल इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसको कहते हैं। ठीक है, ये सर्कल से छोटा जो होता है डिवीजन, यानी एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अंदर 8-10 डिवीजनल इंजीनियर काम करते हैं। यानी ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अगेंस्ट में रिस्पॉन्सिबल होगा। जो गड़बड़ी होगा, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा, वो किसको? डायरेक्ट चीफ इंजीनियर को नहीं बताएगा, वो पहले सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को बताएगा, अपने सर्कल वाले इंजीनियर को बताएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद होता है मतलब डिवीजनल इंजीनियर, और डिवीजनल का फिर सब डिवीजन होता है। मान लो कि एक, देखो, चार सर्किल था, चार सर्कल में क्या किए, चार डिवीजन कर दिए, अब इस डिवीजन का भी सब डिवीजन कर दिया गया, तो सब डिवीजन में जो इंजीनियर होगा वो क्या कहलाएगा? सब डिवीजनल इंजीनियर या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसी को एई कहते हैं। जो बीटेक करके पर्सन जाता है वो एई बनता है, ठीक है, तो बस सब डिवीजन का वो क्या रहता है? ऑर्गेनाइजर रहता है। सब डिवीजन में जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देखता है। उसके बाद जो सबसे छोटा पोस्ट होता है वो होता है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर जो है वो काम करता है असिस्टेंट इंजीनियर के अंडर में, ठीक है। अंडर में कहने का मतलब, अंडर में मतलब उसके नीचे नहीं, नौकर नहीं होता है, मतलब इसका ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी खबर होगा इसको देगा, अंडर में नहीं होता है, ठीक है, सर्वेंट नहीं है। इसका अपना पोस्ट है, इसका अपना पोस्ट है, इसका अपना फंक्शन है, ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि कुछ भी गड़बड़ी होगा तो वो असिस्टेंट इंजीनियर को जाकर बताएगा, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव को बताएगा। लेयर बाय लेयर है, हर इंजीनियर का अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक सर्कल में एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, तो बिहार में चार सर्कल है तो चार सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। वैसे हम खोजने की कोशिश किए गूगल पे, लेकिन बिहार में कितना सर्कल है नहीं मिला, आपको पता चलता है कमेंट कीजिए, ठीक है। तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सर्कल में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्कल का छोटा छोटा पार्ट कर देंगे डिवीजन, तो डिवीजनल इंजीनियर, डिवीजन का भी छोटा छोटा पार्ट कर देंगे तो सब डिवीजन, ठीक है। देखो क्या बोले थे, 1, 2, 3, 4 सर्कल, सर्कल को चार कर दिए डिवीजन, फिर एक डिवीजन को भी छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए सब डिवीजन, ठीक है, सब डिवीजन से छोटा नहीं होता है। तो ये जो सेटअप है ये पीडब्ल्यूडी का है, प्राइवेट कंपनी जैसे एलएनटी और भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गेमन इंडिया, एफकॉन, ये सब में इस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं होता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है पीडब्ल्यूडी का, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये सेटअप नहीं है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक इंजीनियर का फंक्शन को देखेंगे कि जूनियर इंजीनियर का क्या फंक्शन होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का क्या फंक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का क्या फंक्शन होता है। अगर आप जूनियर इंजीनियर बनते हो तो 15 साल तक में असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है, हो सकता है 15 साल का समय लग जाए अगर आलसी हो तो, अगर बहुत एक्टिव हो तो कम से कम 8 साल का तो समय लगेगा ही, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पोस्ट कम है ना, ठीक है। जैसे बोले डिवीजन, तो डिवीजन कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 8 और 16 डिवीजन है, तो 500 जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किया है अब पोस्टवा 16 को है, ठीक है, मतलब 16 पोस्ट है, तो यहाँ तक 500 इंजीनियर तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा ना, यहाँ पे गया तो और 4 हो गया और ऊपर गया तो 1, तो यानी जो जूनियर इंजीनियर 500 हर साल ज्वाइन करता है और चीफ इंजीनियर एक ही होता है, तो वहाँ तक कितना लोग नहीं पहुँच पाएगा, 499 लोग नहीं पहुँच पाएगा, और वैसे यहाँ तक आते आते वो रिटायर हो जाता है, ठीक है। और जैसा हम लोग का सरकार कर रहा है, बिहार सरकार या भारत सरकार जॉब ही नहीं दे रहा है, आदमी 32 साल तक काम करेगा, 32 साल के बाद असिस्टेंट इंजीनियर बनते बनते तो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। बट जो भी है, आने वाले समय में ये इस चीज़ का सुधार होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना है, पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते, पढ़ने का जो काम है तो वो तो लगातार चलते ही रहेगा, हम जो अपना काम है वो करते रहेंगे, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे ये जितने भी इंजीनियर्स हैं उसके फंक्शन को हम डिटेल में बताएंगे।